गंदम पे शो कर रहे हैं और गंदम के क्या फायदे हैं, और मुझे पता चला कि गंदम जो है परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। दो चम्मच आपने डालना है इसमें गंदम का आटा। बालाई जो है फ्रेश मिल्क की अगर आप लें तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने एक चम्मच, आपने दो चम्मच, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है हमने। तो गंदम के इस्तेमाल से सनम हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, हड्डियों को गंदम ऐसा फौलाद बना देता है, उसमें वाइटामिन D3 है, उसमें कैल्शियम है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर कुव्वत पैदा करता है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप गंदम से बाल कैसे उगा सकते हैं रीग्रोथ, तो उसके लिए आपने करना है कि आपने साबुत गंदम लेना है, कुटा हुआ नहीं लेना है, जो हलीम के लिए होता है वो नहीं, ये वाला इस तरह का जो साबुत गंदम है जिसका छिलका नहीं उतरा हो वो आपने लेके उसको भिगो देना। उसी चीज़ आप इसमें डालेंगे रतन जोत, ठीक है, सही है। ये पानी में कलर नहीं, जैसे मैं इसमें तेल डालूंगी ना तो ये कलर आ जाएगा इसका, okay. ये कलर छोड़ देता है। गंदम बांटने से आपके घर में बरकत बढ़ती है, उसमें चाहे रोटी हो चाहे गंदम की सूरत में हो आटे की सूरत में हो। जो घुटनों में गैप आ जाता है उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ने जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है वो गैप कम हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चिकनाई का कम होना। चिकनाई क्यों कम होती है कि हम दूध का इस्तेमाल नहीं करते, हम नारियल पानी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम अभी भी अपनी ओल्ड एज में भी एलोवेरा का इस्तेमाल करें, भिंडी का इस्तेमाल करें और दूध का इस्तेमाल करें। मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज बहुत 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 खुशनसीबी की बात है कि आज मैं ये शो कर रही हूँ, क्योंकि आज के शो में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ हम नहीं, यकीनन मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। और कई लोग होते हैं जो अच्छाई करने का मौका ढूंढते हैं, रुबाब ये होता है कि वो उनको समझ नहीं आता कि हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बट कैसे करें, क्या करें। तो आज कुछ माएँ हमारे साथ हैं और एक हमारे भाई हमारे साथ हैं और वो उम्रा करना चाहते हैं। अगर आप उनको उम्रा करवा सकते हैं, चाहे वो एक माह हो या उसमें सिर्फ आधा शेयर कर सकते हैं, मैं आपको अमाउंट बताऊंगी कि कितनी अमाउंट है, हमें कितनी अमाउंट चाहिए जिसमें हम उनको उम्रे के लिए भेज सकते हैं। तो सबको मिला के टोटल हमें चाहिए 10 लाख रुपए, टोटल हमें चाहिए सब लोगों के लिए। तो मेरा ख़्याल है 10 लाख अगर जो लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। और वो लोग जो इतना अर्न नहीं करते, इतना नहीं कमाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बड़ी रकम है। लेकिन फिर भी अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहें, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 50 रुपये हो, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ भलाई का काम है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है अगर आप करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग ज़िंदगी भर जो है वो अपने लिए पैसे जमा करते हैं, संभाल के रखते हैं, और उनकी आखिर में बीमारी के वक्त यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह हम हज कर लें, अल्लाह ताला का घर देख लें, उम्रा कर लें। और कभी ज़िंदगी उनका साथ नहीं देती, कभी घर में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है, बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, बेटी का जहेज करना पड़ता है, और फिर भी उनका वो मौका रह जाता है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। अगर कोई कॉल करना चाहे हमें और कोई शख्स कोई खातून चाहे कि वो उम्रा करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने पैनल पे जो हमारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं वो कॉल करें, और हर एक माँ को अगर वो अडॉप्ट करके वो बोलें कि जी हम इनको अडॉप्ट करते हैं और हम इनको उम्रे पे भेजेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि इससे बढ़कर नेकी का काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज हमारे पास यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद होंगी और फरहाना उवैस से मैं बात करूँगी, और बात मैं ये करूँगी और हम जानना भी चाहते हैं, जो कि सवाल मेरे जहन में बहुत देर से है। मैं जैसे एक उम्रा कर चुकी हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई शख्स है वो उम्रा करना चाहता है, तो क्या मैं अपना उम्रा करूँ तो मुझे उसका ज़्यादा दोबारा सवाब मिलेगा, या मैं किसी और को उम्रे पे भेजूं मुझे उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा?
क्या अभी आप यंग हो, आप कमा रहे हो, सब कुछ है, तो एक कहते हैं ना जवानी का हज, जवानी का उम्रा, लेकिन मुझे कोई ये बात पता हो कि कोई बुज़ुर्ग है जो नहीं जा सकता लेकिन जाना चाह रहा है, तो मैं अगर मैंने उम्रा नहीं किया हुआ या आपने उम्रा नहीं किया हुआ या आप किसी एक का उम्रा अफोर्ड कर सकते हैं या हज अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको भेजना ज़्यादा सवाब का काम है या नहीं, ये आप पे फ़र्ज है कि पहले आपने करना है और बाद में किसी और को भेजना है, तो क्योंकि ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, आज मैं हूँ, आज आप हैं, हम सब ने एक दिन जाना है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में हैं यकीनन आपके जहन में भी होंगे, तो वो मैं आपसे पूछूंगी। एंड एक तीसरा सवाल जो मेरे जहन में अभी ये उठ रहा था जब मैं गाड़ी में आ रही थी, मैं सोच रही थी कि अब उम्रा भी अगर कर लिया, अगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ये सआदत नसीब की हज की, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं हज पे जाऊं, और इस साल मुझे लगता है कि शायद 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 मैं चली जाऊं इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और बुलावा आया, तो क्या मुझे हज पे जाना चाहिए? लेकिन कहते हैं ना दीन और दुनिया एक वो, तो हम जब कमाते हैं तो हमें ये भी लालच होती है, ये भी हवस होती है, और हवस के अलावा, लालच के अलावा हमारा काम ऐसा है, या डॉक्टर्स हो गए या किसी भी प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ रखता हो, तो हमें बाहर जाना ज़रूरी होता है कि हम लोग एक्सप्लोर करें, चीज़ें एक्सप्लोर करें, चीज़ें देखें, दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बात हो रही है, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, ताकि जिस कुर्सी पे आज मैं बैठी हूँ या हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर, उनका बाहर जाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बाहर जाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या बाहर आप ना जाओ, चाहे वो तालीम हासिल करने, और आप उसके बदले किसी को हज या उम्रा करवाओ, ठीक है, अब क्या इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे लिए, अच्छा मुझे माइनस कर दें, किसी डॉक्टर के लिए पढ़ने जाना है, उसने किसी की जान बचाने की कोशिश करनी है उसने, तो अब वो पैसे जमा करके अपने लिए उम्रा करने जाए, हज करने जाए, या वो ना जाए और वो किसी को हज कराए, तो अब क्या इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो आज हम जानेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सवाल इस तरह के आपके जहन में भी होंगे, छोटे छोटे जवाब हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम उन पर बात करेंगे। और फरहाना आप बस हमारे पास आ रही हैं, और उसके अलावा बिनत फातमा ट्रस्ट से हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं, और अगर मैं उनको भी बुला लूँ यहाँ पे, है ना, बिल्कुल, तो उनको मैं बुलाती हूँ, प्लीज़ जी आइए। फरजाना साहब हमारे साथ हैं और असद भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आज आप हमारे साथ हैं और बहुत सारी माएँ, और आप तो मैं कहती हूँ बहुत खुश नसीब हैं कि आपकी बहुत सारी माएँ हैं और आपको इतनी सारी जन्नतें इस दुनिया में ही मिल गई हैं, है ना, आपको भी। तो आज आप बताएं कि आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है? आप लोग तो हमारे साथ हमेशा होते हैं, आप हमारी माओ का, आप अपनी माओ का, इस कौम की माओ का इतना ख्याल रख रहे हैं, और उन बच्चों की माओ का जिन्होंने उनको छोड़ दिया या केयर नहीं कर सकते, आपके पास छोड़ दिया, लेकिन आज हम उनके लिए उम्रे की अपील कर रहे हैं, तो इनकी क्या ख्वाहिशात हैं? कुछ भी नहीं, इस एज में जाहिर है वही होता है, जवानी तो गुजर जाती है, तो मुझे अक्सर लोग आके पूछते हैं कि जी आप इनको बाहर क्यों नहीं लेके जाती हो, इनको आपने कैद करके रखा हुआ है, आप बाहर क्यों नहीं, बाहर लेके जाओ इनको, एक्टिविटी करवाओ, ये अंदर नहीं रह सकते। तो मुझे, मैं उनको ये जवाब देती थी कि ये ओल्ड एज है, बाहर क्या ये घूमने जाएंगे, कौन सी पिकनिक मनाएंगे, लेकिन मेरे दिल में शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं इस एज में जो हम लोग तलब करते हैं, मांगते हैं, जो मेरी माँ, मेरी दादी इस तरह, तो मैं इनके लिए वो करूँ जिससे ये लोग खुश हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हलीमा को ये सारा सिलसिला हुआ था, वो मेरे लिए एक तजर्बा था, और हलीमा को देख के बाकी औरतों की आंखें जो थी ना, वो नम थी कि हम लोग कब जाएंगे। चूँकि देखो सनम, एक तो ये ना, इनके पास इनकी फैमिली नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, औलाद नहीं है, औलाद से और रिश्तों से बुज़ुर्ग छीनते हैं, उनसे पड्डे करते हैं, उनसे झगड़े करते हैं कि हमें प्यार दो, हमें तवज्जो दो, लेकिन चूँकि ये मेरे पास हैं तो बस मेरी तरफ़ देखते हैं, अल्लाह की तरफ देखते हैं, कि ये चीज़ें बताते नहीं हैं। आप तो वसीला हैं, बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह वसीला है, तो यकीनन
आपकी तरफ देखते तो बस होंगे। मैंने अचानक ही असद से कहा कि असद मैं इस साल ना 5 औरतों को मैं लेके जाऊंगी, तो कहता है अच्छा माँ, और अब यकीन करो कि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इनके आईडी कार्ड, इनके कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैंने कह दिया ना, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा कहता माँ आपने कह दिया ना तो बस हो गया, तो किस किस को लेके जाना है। मैंने जिन जिन का नाम बताया तो बाकी तो दो लोग बाद में हुए ना। सबसे पहले आपको किसने कहा? सबसे पहले जोरा का, क्योंकि जोरा पिछले साल भी, इसको 7 साल हो गए मेरे पास। तो असद चलो होस्टिंग करो और माइक उठाओ और जोरा आंटी का पास जाओ और जोरा आंटी से फिर मैं सवाल यहाँ से करूँगी, है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप माइक पकड़ सकती हैं, हाथ से करंट परंट नहीं लगता। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा जोरा आंटी, आप बताएं कि ये ख्वाहिश कब से है कि मुझे उम्रे पे जाना है? जी मैंने शादी से पहले तो मैंने हज की थी, माशाल्लाह, माँ बाप के साथ सब फैमिली गए थे, सुभान अल्लाह, बहुत साल हो गए। कितनी उम्र थी आपकी, मतलब शादी हो चुकी थी आपकी? जी नहीं नहीं शादी नहीं हुई थी। अच्छा शादी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। फिर मैंने हज उमरा किया, लेकिन मदीना मुझे सही नहीं याद आ रहा है, मक्का तो बिल्कुल याद आ रहा है। तो मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी, मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ जाऊं और उमरा करूं, लेकिन वो अपने माँ की खिदमत करते थे तो उनकी माँ अल्लाह को प्यारी होगी, इनका सर चूमा जाते जाते। तो मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, आपकी माँ की आप खिदमत करते हैं, दवाइयाँ फल फ्रूट हर चीज़ लाते थे, नहीं ला सकते थे तो उनके सामने कोई बहाना ऐसा बनाते थे जिससे पता भी नहीं चले कि कोई बात छुपा रहे हैं। फिर इनको लिए दूसरे दिन सब चीज़ ले जाते थे। मैंने कहा आपका उम्रा हज तो यही है, बिल्कुल, तो ये आपकी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है जिससे आपने हज उम्रा नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके हस्बैंड हैं अभी? नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए, बच्चे नहीं हुए, बच्चे भी नहीं, और आप बिल्कुल अकेली हैं? जी जी, भाई बहन है, सब अपने अपने घरों में खुश हैं, कोई शादी ब्याह होता है तो फ़ोन करती हैं, बुलाती हैं। आप जाती हैं? जी बुलाती हैं तो जाती हूँ। कल ही आप बहन भाई के बड़े भाई का फ़ोन आया, उनकी बेटी की मंगनी हुई है। कैसा लगता है जब वो कॉल करते हैं, उनका नंबर जब आप अपने फोन? बहुत खुश होती हूँ मैं बाजी। आप मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, मैं दुश्मन के लिए भी यही दुआ मांगती हूँ कि सबको अल्लाह खुश रखे, इस दीन दुनिया की दौलत से नवाजे। इन लोगों को, बाजी लोग को, मैं बाजी बोलती हूँ, सब अम्मी बोलती हैं, मैडम फजाना को, असद भाई को, इनको दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे अल्लाह ताला, उनकी ढेरों खुशियाँ नसीब करे। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ बिनत फातिमा ट्रस्ट में रह रही हैं, आप फिर आपके भाई बहन इतने अच्छे हैं तो आपका दिल तो चाहता होगा ना उनके साथ गुजारने का, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? हर एक का अपना अपना मसला होता है ना, कोई किराए के घर में, कोई दूर रहते हैं, किसी के बच्चों की फिक्र है। किराए के घर में वो खुद भी तो रहते हैं ना? जी जी, बच्चे भी रहते हैं। तो मैं ये दुआ करती हूँ अगर हमारे हक में जो बेहतर हो ना वो काम करवाए। मतलब ये नहीं चाहती कि मैं किसी पे बोझ बनूं। तो आप खुश हैं? खुश हूँ मैं। लेकिन आप चाहती हैं कि मक्का आपको याद है, मदीना आपको मतलब पूरी तरह याद, धुंधला है जी, तो आप दोबारा जाना चाहती हैं? बस ये लोग ले जा रहे हैं, मेरे को तो ख्वाब में भी पता नहीं था कि मैं जाऊंगी। वाह, क्या दुआ सबसे पहले मांगेंगी, क्या सोचा है? पहले तो मैं यही बोलती हूँ अल्लाह इस जमीन पर सबको बुला ले, लेकिन आने जाने के लिए तो सोचना पड़ता है ना कि रिश्तेदार हैं, ये लोग हैं, सबके लिए मांगे, अल्लाह ताला उनकी जायज़ ख्वाहिशों को पूरी करें, उनकी खैर में मेरी भी करे, अल्लाह हम सबको खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से नवाज दे, और सबसे पहले इन लोगों को, असद भाई और असद और फरजाना बाजी, इन लोगों की फैमिलियों को, इनकी बच्चियों, बच्चे मेरे पास दोनों बेटियाँ हैं ना, बहुत खेलती हैं मेरे साथ। ओके, और मेरे लिए क्या दुआ मांगेंगी? अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आपको खुशियाँ ऐसी दे कि दुनिया में किसी ने ऐसी खुशियां ना देखी हो। हाय अल्लाह, मैंने आपको देखा, आप आई थी ना? बिल्कुल, आपकी याद है, मैं आई थी आपके। जी जी, आप याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह याद तो है। बस आपने वहाँ पे मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करनी है, वहाँ पे भूल नहीं जाना वहाँ पे। जी बोलिए, क्या दुआ करूँ? बस आपने इतनी अच्छी दुआ की, इतनी ढेरों सारी खुशियाँ कि अल्लाह करे सब वो खुशियाँ देखें, लेकिन हर किसी को अपने लिए अच्छा लगता है ना, तो खुशियों में तो सब आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बस
अल्लाह ताला सुकून दे, इज्जत दे और खुशियाँ दे। आपने मेरे लिए, वैसे ही मेरी माँ ने इतनी अच्छी दुआ कर दी, मैं और क्या मांगू आपसे। इंशाल्लाह जरूर, ढेरों खुशियाँ, इतनी खुशियाँ मैं संभाल ना सकूं और मैं बांटती रहूं। आमीन। और अल्लाह ताला तो ये भी बोलता है ना कि मेरे से मांगते रहो, यहाँ भी कबूल करता हूँ और वहाँ भी कबूल करता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे और आखिरत की पहले अल्लाह ताला नवाज दे, इसके बाद दुनिया की नवाज दे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मतलब बचपन का भी हज किया है और आप अब इस उम्र में माशाल्लाह अभी भी जवान है, अब जवानी का उम्रा करेंगी आप? जवान तो नहीं, बूढ़ी हो चुकी हूँ। नहीं नहीं, आप जवान है अभी, क्या बुढ़ापा, बुढ़ापे को भी भूल जाए। चले, और हमारे साथ कौन है यहाँ पर? हसीना, हसीना से करवा दो बात। असद कौन है, कौन सी अम्मी के पास अब आप जाएंगे? ये तो हर वक्त हंसती हैं। हाँ हाँ, ये हर वक्त हंसती हैं। आप माइक पकड़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। ये सब आपकी बदौलत हो रहा है सब काम, तो मुझे बहुत खुशी है। बहने लेने के लिए आई थी मगर मैंने कहा नहीं, पहले यहाँ पर जाऊंगी फिर आऊंगी। बहन भाई से बहुत मोहब्बत है और बहन भाई को मेरे से मोहब्बत है मुझे उनसे। आप अपने बहन भाई के पास कब कब जाती हैं? ये इंडिया मुझे 3 साल हो गई थी, वो हर साल बुलाते थे, मैं जाती थी। वो कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद, गुजरात, भारत। इंडिया? इंडिया। अच्छा, तो आप यहाँ, फिर आप यहाँ पर कैसे? मेरे हम जुड़वा हुए थे, फिर मेरी नानी ने मुझे ले लिया, मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा कि नहीं। अम्मी लेने भी आई थी मगर मैंने कहा नहीं, मेरी अम्मी तो ये है। नानी लेके कराची आ गई ना, अभी अकेली रह गई है। अकेली जिंदगी सिलाई कर करके गुजारा किया, इज्जत से और ईमान से जीवा। बिरादरी में मेरा बहुत इज्जत और वकार है, अल्लाह सबका ऐसा ही बना रहे। अच्छा, सनम, जोरा जो है ना वो ईदी साहब की भांजी है, उनकी सगी बहन की बेटी है, और जो ये हसीना है ना, ये छीपा साहब की फैमिली है। छीपा साहब की अम्मी, इनके मामू, ये सब हम बहुत, मुझे बहुत रखा मैं इनसे मोहब्बत। ये अभी बस, ये छीपा साहब को तो मैंने पहली मर्तबा देखा। इनकी माँ का नाम मरियम था, इनके 3 मामू थे, याकूब, मूसा और ये अहमद। ये सब हम सब ऐसे रहे घर की तरह। आप मिलती हैं उनसे? हैं, आप मिलती हैं उनसे? बस जब तक ये बस मिली हूँ, 3 साल पहले जब घर पे थी ना, कहीं छीपा साहब से और इन सब से, उनसे छीपा साहब से तो एक मर्तबा मिली हूँ। क्यों, वो तो आपके रिश्तेदार हैं, फिर मुलाकात क्यों नहीं होती? नहीं, मैं उनके घर नहीं जाती थी, रास्ते में मिलते थे, दुआ सलाम करते थे। घर जाने में वक्त भी चाहिए, उनका भी वक्त खराब होता है, इसलिए मैं सब सोचती थी और मेरा भी वक्त खराब, बस मिल जाते थे। बहुत मोहब्बत थी, आमने सामने राम स्वामी में रहते थे, रणछोड़ लाइन की तरफ। जब बहुत मोहब्बत थी, अब मालूम नहीं कहाँ रहते, ये मालूम नहीं मुझे। आपका दिल बहुत चाहता है अपनों से मिलने का? चाहता तो है। देखो, अब सबसे बड़ी बात, अभी बहनें आके मिल के गई, वो बड़ी, और भाइयों ने कहा कि चलो वहाँ जाके आ जाए, फिर लेके आ जाना। सबसे बात करवाई बहन ने फोन के ऊपर। अच्छा, मुझे अब आप सच बताइएगा, आपका उम्रे पे जाने का ज्यादा दिल है? मुझे तो बचपन से शौक था, जब जहाज जाते थे पानी के, जब किसी को छोड़ने जाती थी, मेरा दिल रोता था कि अल्लाह मुझे भी बुलाए। तो आज अल्लाह ने ये ख्वाहिश पूरी करी, खैर पानी के जहाज तो नहीं मगर जहाज, मगर वो दर्द तो देख के आऊंगी, इससे बड़ी खुशी क्या होगी बाजी। अब आप पानी के जहाज में नहीं, हवाई जहाज में जाएंगे? हाँ, हवा नहीं, के जहाज बैठी हुई, हवाई जहाज में भी बैठी हूँ, पानी के जहाज में भी बैठी हूँ। अरे आप बहुत लकी हैं, मैं अभी पानी के जहाज में नहीं बैठी। नहीं, मैं बैठी हुई हूँ, सब ख्वाजा गरीब नवाज, अजमेर भी जाती थी। अच्छा, उम्रे पे जाके क्या दिल है, क्या दुआ मांगेंगी? बचपन से क्या सोचती? सबकी औलादों को नेक बनाए और सब उनकी दिल की मुरादें पूरी करे। जिस तरह मैंने अपनी नानी के पास बेटा बन के रही हूँ, अल्लाह इसी तरह उनको मोहब्बत दे। आमीन। आप अपनी नानी को आज तक नहीं भूली ना? नहीं, इनको एक पल भी नहीं, कभी भी। मैं अपनी अम्मी को कहती थी मरियम, उनका नाम मरियम था, और सब लोग कहते थे ये 2 बहनें, क्योंकि भाई तो था नहीं,
कहते ये दो बहनों में अपनी अम्मी को कभी मेरी अम्मी नहीं कहा, लोग कहते एक मरतबा कहते हमारी दिल की, मैं कहती तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगी, मैं अपनी नानी है मेरी अम्मी, मैं नानी तो कहती भी नहीं थी, बाई कहती थी हम लोगों में, बाई कहते तो क्या आप अपनी अम्मी से नाराज थी क्या? नहीं नहीं, मेरी अम्मी तो बहुत खुश थी, अभी 3 साल तो हुए मैं जाके आई हूँ, मगर अम्मी का तो इंतकाल, भाई भी बहुत अच्छे, बहनें भी, दो बहनें आके गई हैं अभी। तो अब यहाँ पे आप बिल्कुल अकेली हैं? यहाँ पे है तो रिश्तेदार तो बहुत है, मगर यहाँ अकेली हूँ, जैसे खून का रिश्ता अकेली हूँ, मगर सब इतने अच्छे कि मुझे कभी भी नहीं तो मैं कब से चली जाती। अल्लाह ताला आपको, आप लोगों की भी मोहब्बत मिली, ये सबसे ज्यादा खुशी है। आज मैं देखती हूँ बिनते फातिमा ट्रस्ट की तरफ से, तो इंशाल्लाह ताला आप जाएंगी, और फिर भी मैं देखती हूँ कि आज मुझे आपके लिए कौन कॉल करता है, मुझे अपनी दूसरी माँ के लिए कौन कॉल करता है। हो सकता है कि आज हम 8 लोगों की बात कर रहे हैं, 7 लोगों की बात कर रहे हैं, हो सकता है आज 15 लोगों की बात हो जाए, आज हो सकता है 20 लोगों की बात हो जाए। तो आज का दिन देखते हैं कि हमारे लिए क्या खुशियाँ लेकर आता है, कौन नेकियाँ कमाता है, कौन नेकियाँ कमाता है, किसकी बारी आज। बस ये देखो अब कौन करता है ये तो अल्लाह ताला को मालूम है, मगर मुझे तो सब बिरादरी, कभी मैं जिस घर में रह के आई हूँ 65 की जंग से पहले से रेडी थी, मगर कभी तक आज झगड़ा नहीं हुआ। क्या बात है, ये जमीला जो मुझे छोड़ के गई है, ये हमारी नानी की बहन की पोती है, मगर हम लोगों में दोस्ती बहुत है, मोहब्बत बहुत है। कितने नेक लोग हैं ना आप, कभी मैंने हर किसी के लिए मोहब्बत है दिल में। एक पते की बात बताऊं कि हम, मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को दूर दूर तक नहीं पता था कि ये इदारे क्या होते हैं और ये काम क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। इन लोगों ने जवानी में नेकियां कमाई हुई हैं, जिसके बदले अल्लाह ने मुझे और मेरे बेटों, मेरी बहुओं को तैयार किया इनका बुढ़ापा संभालने के लिए। ये समझने की बात है जो कि मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने मेरी फैमिली को तैयार किया, क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं, मेरी पोतियाँ पोते, क्योंकि इनका टाइम ऐसे नहीं गुजरता बिस्तर के ऊपर कि ये बिस्तर के ऊपर पड़ी रहें और इनका टाइम गुजर जाए। पता नहीं कितने साल है, अब ज़ोरा मेरे पास 7 साल से है, हसीना मेरे पास 3 साल से है, तो फैमिली, बहू, बेटे, इस तरह करके सब लोग साथ होंगे तो टाइम गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नेकियाँ की हुई हैं जवानी में, तो इसलिए अल्लाह ने हमें तैयार किया। बिल्कुल बेशक, और यकीनन आपने ऐसी नेकियाँ की हैं कि आप को अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी औलाद से नवाजा। बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब असद हम कहाँ जा रहे हैं, किस अम्मी के पास जा रहे हैं? अजीज फातिमा आंटी से। अस्सलाम वालेकुम, आपको मुझे भी देख लें, आप तो असद को देख रही हैं या टीवी पे देख रही हैं, मुझे भी देखे ना। आपसे बात करनी है। अच्छा, आपने माशाल्लाह 5 हज कर चुकी है, क्या करें? पूछ रही है कि आपने कितने उम्र और कितने हज किए हैं? मैंने अल्लाह का शुक्र 6 हज करे हैं। 6 हज माशाल्लाह। उम्र तो हर जुमेरात को हम लोग करते थे, क्योंकि जद्दे में पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ मेरे शोहर का ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम लोग जद्दा में रहे। 1 घंटे का रास्ता है अपनी गाड़ी से मक्के जाने का, जुमे की छुट्टी होती है, जुमेरात को रात में उम्र करते थे हम लोग। माशाल्लाह, तो उम्र कितने की है? उम्र कितने की है? उम्र तो बेतहाशा कर रहे हैं, जब तक रहे हैं हर जुमेरात को करते थे। अरे आपके हस्बैंड क्या करते थे? आपके हस्बैंड क्या करते थे? मिनिस्ट्री फाइनेंस में थे, स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आपके साथ कौन कौन है आपकी फैमिली में से? अब आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके बच्चे, फैमिली? नहीं, कोई नहीं है, मेरे बच्चा औलाद नहीं है, मैं अकेली हूँ। कोई भी नहीं है जी? नहीं, फैमिली है लेकिन मेरे पास है तो अकेली है ना। हाँ वही बात, फैमिली तो वो होती है जो अपने बुजुर्गों को संभाल के रखे, फैमिली उसको कहते हैं, रिश्ते तो उनको कहते हैं ना, तो रिश्ते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने इतने हज किए, इतने उम्रे किए, फिर भी एक ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करूं, फिर भी दिल है कि मैं हज करूं? जी, फिर अल्लाह से यही दुआ है कि फिर एक बार ले जाए, वहाँ का दीदार करा दे। क्या दुआ मांगेंगी आप? बस यही कि अल्लाह मियां अपने हाथ पांव चलते रखे, और अल्लाह ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं जहाँ पर मैं हूँ। जब आप
पहले आपने 6 उम्रे किए और हज किए और इतने सारे उम्रे किए, आप क्या दुआ मांगती थी? इतने सारे हज जो उम्रे किए उसमें क्या दुआ मांगती थी? यही दुआ मांगती थी, अल्लाह मियां चलता फिरता रखिए, कोई पल पे ना डाले और ये कि कोई सहारा बन जाए मेरा, अल्लाह मियां चैन से गुजारे जो दिन की भी जिंदगी। किस किस के साथ जाती थी आप? एक तो हस्बैंड होते थे और कौन साथ होता था? किस किस के साथ जाती थी हज उमरा करने? एक तो हस्बैंड थे और कौन थे? नहीं, मेरे ससुराल के भी रिश्तेदार हैं, मैके के भी हैं, उन लोगों के साथ जाती थी। अब वो सारे लोग कहाँ हैं? मैं सब कराची में, कुछ हैं कुछ इस्लामाबाद में हैं, कुछ लाहौर में हैं। अच्छा, और अब आप उनसे मिलती हैं? उनसे मुलाकात होती है कभी? वो लोग आ जाते हैं, वैसे फोन पे अक्सर बात हो जाती है। आपने माशाल्लाह 6 हज किए, इतने उम्रे किए, उसमें आपने हजारों दुआएं मांगी होंगी, कभी ये सोचा कि अब एक दिन मुझे अकेले जाना पड़ेगा हज के लिए या उम्रे के लिए? आप इतने सारे लोगों के साथ जाती थी हज पे उम्रे, क्योंकि जो इतनी दुआएं मांगी, तो कभी ये सोचा था कि अब अकेले जाएंगी? नहीं, ये तो नहीं सोचा था अकेले, ये भाई तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियां फिर वहाँ का दीदार करा दे। ये दुख है कि अब रिश्तेदार नहीं होंगे साथ? ये आपको दुख है कि अब रिश्तेदार साथ नहीं होंगे अगर आप जाएंगी तो? नहीं, ये कोई दुख नहीं है मुझे। क्यों भाई, ऐसी जगह जाने के लिए इंसान अकेला भी जा सकता है अगर दूसरा आदमी ना हो तो। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, और मेरे पास दो कॉल्स हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे भाई क्या बात करना चाहेंगे? हेलो, अच्छा एक सेकेंड, आप जो भी मुझे कॉल करें प्लीज़ टीवी की जो आवाज़ है वो कम कर दे, वरना मुझे ना आपकी आवाज़ समझ आएगी ना आपको मेरी आवाज़ आएगी। जुल्फकार साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, कहाँ से? आवाज़ आ रही है जी मुझे आपकी? नेवल कॉलोनी हरून दरिया से बोल रहा हूँ मैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। मेरे भाई क्या बात करना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं इनके लिए 10,000 रुपया भेजना चाहता हूँ, क्या तरीका कार है? वो मेरी टीम अभी आपको बता देगी। और आपका बहुत शुक्रिया। और आपने खुद हज या उमरा किया है? जी, आपने खुद उमरा या हज किया है? जी, मैं माशाल्लाह 2 हज करके आया हूँ, 4 उमरे करके आया हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और आपको नसीब करे। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। ठीक है, तो अतीका साहिबा हैं हमारे साथ कॉल पर। ठीक है, मेरी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है शायद उनकी कॉल की वजह से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अतीका साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक हूँ जी। मुझे बताइए कि आप क्या मतलब आप क्या पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? मैंने 50,000 का है। 50,000 जी। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आपने खुद कितने हज उम्रे किए हैं? लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा अगर कॉल आई तो इनसे पूछेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी एक कॉल आई, उन्होंने कहा 50,000 डोनेट कर रहे हैं, लाइक हमें दे रहे हैं किसी के हज या उम्रे के लिए। मैंने वही कहा कि इस वक्त हमारे यहाँ पर कोई अना की बात नहीं, कोई अना ईगो की बात नहीं है। इस वक्त हमारा मकसद ये है कि हम अपनी माँ को, बहनों को और बाकी जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो मुझे कॉल करें, और बाकी जो लोग ये ख्वाहिशमंद हैं कि वो किसी को भेजें हज या उमरा करने के लिए, और वो किसी भी एक माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक बेटी के लिए पूरा पैकेज, जो कि इतना ज़्यादा नहीं, 1,00,000 के अंदर अंदर है, 80,000 या 70,000 तक भी हो सकता है उम्रे का, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फरहाना हुए हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे करेंगे बहुत सारी बातें। और एक सवाल मेरे जहन में आया, अगर आमना मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना, कि मैंने ये सुना है बहुत दफ़ा कि हज से पहले उमरा करना ज़्यादा लाजमी है, उसके बाद आपने हज करना है, तो इसमें कितनी सदाकत या सच्चाई है और ये बात सही है या नहीं, तो ये हम उनसे बात करेंगे।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीबा तो ये दे दो पैगाम को, खबर जाके दे दो। ओके जी, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज खुश नसीबी का दिन है हमारा, हम सब का, आप सब के लिए, क्योंकि आज हमारे पास हैं 7 माएँ और 1 हमारे भाई जो उम्रे पे जाना चाहते हैं और मिलते फातिमा ट्रस्ट जो है वो उनको उम्रे पे लेके जा रहा है। लेकिन मेरी ये दुआ है कि 8 लोगों की बजाय 16 लोग हो जाएं, 16 लोगों से ये 32 लोग हो जाएं, लेकिन उसके लिए हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए। अभी हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, अतिकास ने हमें कॉल की, एक और हमारे पास कॉल आई, इसके अलावा बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, सारी कॉल्स हम नहीं ले सकते तो इसलिए हम कुछ कॉल्स ले रहे हैं और कुछ कॉल्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल जो मुझसे बात करना चाह रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है जो मैं चाहूँगी कि उसके बाद मैं जो है वो बात करूँगी आगे अपनी और माओ से। वसीम साहिबा, वसीम अख्तर साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और वे कहते हैं कि वो देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बताइए, आप आज हमारा शो देख रही हैं तो आपके दिल में क्या ख्याल आया, जहन में क्या ख्याल आया? ना, आपको 5 लाख भेजूंगी। वाह जी, हो सकता है और भी ज्यादा कर दूं, मुझे सही पता चल जाए ना तो मैं और ज्यादा कर दूंगी, 5 लाख से ऊपर कर दूं, चाहे सारी माओं को मैं ही भेज दूं। ओ माशाल्लाह जी, बहुत बस बड़ी मुझसे बात। ये करने जिन्होंने भेजना है करना है ना जी, जी वो मुझसे रابطہ कर ले। बिल्कुल, बित्ते फातिमा ट्रस्ट जो है वो आपसे रابطہ करेगा, हम आपको बताएंगे और वो उनसे आप बात कर लीजिएगा तो वो इंशाल्लाह ताला जब ये माएँ जा रही होंगी, जो भी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, जो भी इनके पेपर्स होंगे, इंशाल्लाह ताला जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको अगर लगता है कि उनके पैसे खुदा न खास्ता इधर से उधर, जो कि नामुमकिन है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, मुझे ये चीज़ चाहिए कि सही लोगों तक पहुंचे। एग्जैक्टली, मुझे पता है हर किसी के जहन में बात होती है, होती भी है, वो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि आप लोग जो हमें कॉल्स कर रहे हैं और जितनी माएँ जाएंगी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके टिकट, इसके तो बेटे कुछ नहीं है, बस मेरा काम सही होना चाहिए, मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा भी काम है, ये मेरा भी फर्ज है कि आज जो मैं शो कर रही हूँ ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि वो सारी चीजें मैं देख के, हो सकता है कुछ पैसे हमारे पास बच जाए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। और मैं आपको ये खुशखबरी बताऊँ कि आपके पैसों से 8 लोग नहीं 10 लोग जा रहे हैं, हो सकता है ये भी हो जाए, ये चीज हो जाए, कोई ज्यादा हो भी जाएंगे, अगर दुनिया लोग दे रहे हैं उधर से भी ले लें, बिल्कुल तो मैं भी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि माएं है ना ये साथ की मैं जिम्मेदारी लेती हूं, ताकि हर किसी को सुकून मिले, हर किसी की पार्टिसिपेशन हो। मुझे ये बताएं कि आपने खुद कितने हज या उम्रे किए हैं? मैंने किए 2 हज किए हैं और उम्रे माशाल्लाह भी याद नहीं मुझे कितने, 20 से ऊपर ही किए हैं, मैं रियाद में होती थी। तो आप क्या करती हैं, मतलब आप अपने हस्बैंड से पैसे लेंगी या आप खुद भी कमाती हैं? नहीं, मैं खुद दूंगी, मैं खुद दूंगी। तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं जॉब करती थी यहाँ पाकिस्तान में ना, टीचिंग में, तो मुझे जो पैसे मिले तो वो मेरे पास है, तो वो मैं इसी तरह खर्च करना चाहती हूँ। लव यू, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया की सारी खुशियाँ आपको दे जी और सेहत दे, आमीन आमीन आमीन। मुझसे रابطہ कर लें खुद ही। जी जी जरूर, नंबर नैयर और अली, अब ठीक है, नंबर हम आपसे ले रहे हैं, मेरी टीम आपसे नंबर्स ले रही है और बहुत शुक्रिया। फरहाना उवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और फरहाना आपा, मैं कुछ सवाल कर रही थी, मे बी आपने वो सुने या नहीं, तो पहला सवाल सिर्फ ये करती हूँ क्योंकि 1.5 मिनट है, उसके बाद हम फिर मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि मैंने ये सुना है कि नहीं, पहले हज से उम्रा करना ज़रूरी है, तो ये कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम बदनी इबादत के साथ माली इबादत भी कर सकें, कुछ इबादत फ़र्ज़ हैं और कुछ सुन्नत हैं, हम उम्रे की बात कर रहे हैं, ये सुन्नत इबादत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात मुबारक में 1 हज अदा किया और 4 उम्रे अदा किए,
तो जिसको भी अल्लाह तौफीक दे वो हज भी कर सकता है और उम्रे भी जितने चाहे कर सकता है, ठीक है। और लेकिन बहरहाल फर्ज तो एक ही हज है। आपने पूछा कि क्या उम्रा करना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई शर्त दीन में नहीं है कि आप उम्रा करेंगे तो फिर आप हज करें। तो हमें क्यों कहा जाता है, मतलब बचपन से मैंने ये सुना, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी जो बातें हैं वो गलत उलाम हो जाती वक्त के साथ मिलकर चलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि हमारे बुजुर्ग जो हैं अक्सर ऐसे ही होते थे जो डायरेक्ट हज पर ही जाया करते थे, और फिर उसमें उनकी ये मर्जी है कि हज अदा करने से पहले जो टाइम होता है उसमें वो उम्रा अदा कर लेते थे, तो वो एक अलग बात है, एक अलग बात है। लेकिन ये शर्त नहीं है कि अगर आप, लेकिन वो जो है हज शर्त है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि पहले आप उम्रा करने जाएं उसके बाद आप दोबारा हज के लिए जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जो ये फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते फाइनेंशियली इशूज़ की वजह से, उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, हम लोग वापस आ गए, अभी हमें कॉल लेनी है या अभी हम अपनी माओ से बात करें? ठीक है, 30 सेकंड में हमारे पास कॉल होगी और आपसे हमने बात की, वही उम्रे वाली बात आपने क्लियर कर दी। अच्छा, अब मैं एक बात कर रही थी कि जैसे कहते हैं ना कि आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, तो वही वाली जो बात हम लोग सुनते हैं, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। अब अगर मैंने उम्रा नहीं किया या मैंने हज नहीं किया, पर मैं कर सकती हूँ अभी, पर मेरे पास अभी एज भी है या वक्त भी है, लेकिन ज़ाहिर वक्त का तो उस तरह नहीं पता होता कि ज़िंदगी कितनी है, बट अगर किसी माँ की ज़्यादा ख्वाहिश है तो पहले वालदैन को या किसी बुज़ुर्ग को उम्रा कराना ज़्यादा लाजमी है, उसमें ज़्यादा बड़ा सवाब है, या पहले आपने ख़ुद करना है उसके बाद किसी और को कराना चाहिए? देखिए, हज जो है ना, पहले मैं हज की बात करूँगी क्योंकि वो फ़र्ज़ इबादत है, उम्रा तो सुन्नत है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो हज जो है वो फ़र्ज़ है साहिब इस्तेआत पर, और जितनी जल्दी मुमकिन हो करना चाहिए। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम बाद में कर लेंगे, किसी को नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कितनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वाक़ बड़ा मशहूर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि जब उनके पास पैसे नहीं थे कि अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े ख़रीद सकें, तो उनकी बीवी ने कहा कि आप जाकर एडवांस तनख्वाह ले लीजिए और उन कहिए कि हमें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी तनख्वाह हमें एडवांस दे दें, बच्चों के लिए ईद के कपड़े बनाने हैं। तो जिनके पास वो गए पैसे लेने के लिए, जो उनके फाइनेंस को देखते थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये लिख के दे दीजिए कि अगले महीने तक आप ज़िंदा रहेंगे तो फिर मैं आपको पैसे दे देता हूँ। तो आप वापस आ गए, तो हमें अगले दिन का नहीं पता कि हम जिंदा हैं या नहीं है। तो इसलिए साहिब इस्तेआत जो हज कर सकते हैं उन्हें फौरी तौर पर करना चाहिए। उसके अलावा हदीस जहन में रखनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तेआत है और वो हज नहीं कर रहा है, तो फिर अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है कि वो यहूदी मरता है या ईसाई मरता है, यानी उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बाद में ये कर लूँ तो फिर हज कर लूँगा, वो कर लूँ तो हज कर लूँगा। आप फौरी तौर पे हज करें, और जितनी जल्दी करते हैं उसका उतना ज़्यादा सवाब है, तो इसलिए हमें इसको डिले नहीं करना चाहिए। अब ये बात कि हम अगर साहिब इस्तेआत हैं तो किसी और को दे दें मौका, पहले वो पहले खुद करें उसके बाद आप दूसरे को मौका दें, क्योंकि हदीस पाक है कि एक हज ऐसा है जो कि बेनतहा अल्लाह को पसंद है और इसका बेनतहा सवाब है, और वो हज है जो आप किसी को करवाते हैं, जिसमें करवाने वाला भी बख्शा गया, करने वाला भी बख्शा गया, और जिसके लिए करवाया वो भी बख्शा गया, यानी तीन लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश हो जाती है। अच्छा, अगर किसी के लिए हज करवाया भी जा सकता है? बिल्कुल, जैसे एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है लेकिन वो हज करने की ख्वाहिशमंद थी, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज अदा कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल अदा कर सकते हो, जरूर तो करो, आपको भी उतना ही सवाब बिल्कुल हज का। और जो अब आपके साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे मैंने हज किया हुआ है लेकिन मैं अपनी वालदा के नाम से हज करवाना चाह रही हूँ, खुद नहीं जा सकती, मेरी कोई मसरूफियत है, लेकिन मैं साहिब हैसियत हूँ तो मैंने किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो हज पहले कर चुका है, तो वो मेरी वालदा के लिए हज करने के लिए जाएगा। अब मेरी बख्शिश भी हुई जो हज करने जा रहा है, माँ के लिए उसकी भी हुई और माँ की भी। अगर मैंने हज नहीं किया, ठीक है ना, मैंने अभी हज नहीं किया, अगर मैं अभी हज पे जाती हूँ और मैं अपने फादर के लिए अगर कहूँ कि मैं उनके लिए भी, तो पहला जो मेरा हज होगा वो सिर्फ अपने आपके लिए ही होगा? अच्छा, सेकंड जो होगा, सेकंड आप वो दूसरे के लिए कर सकते हैं। कोई भी शख्स जो दूसरे के लिए हज करने जा रहा है, शर्त है कि पहले वो अपना हज कर चुका हो। अगर किसी को भेजूं जो ऑलरेडी हज कर चुका हो वो जा सकता है, तो वो जा सकता है, चाहे फिर वो उसका पहला हज हो। नहीं नहीं नहीं, उसका भी पहला हज हुआ लाजमी है, फिर दूसरे के लिए किया जा सकता है, वैसे नहीं। ओके,
अच्छा दूसरा बीनिश के मेरे पास कॉल है क्योंकि कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, और बीनिश दुबई से कॉल कर रही है मैं। अस्सलाम वालेकुम बीनिश। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, क्या बात करना चाहेंगी? जी मैं ये आपका प्रोग्राम देख रही थी और मैं आपको ये बताना चाह रही थी इसको देखकर कि मैं मेरी एक पाकिस्तान में भी हमने अभी अपनी हज एंड उमरा की सर्विसेज के नाम से हम लोग ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो मैं अपनी कंपनी के रेफरेंस से ही आपकी ये जो भी एनजीओ वाले लोग हैं इनको मैं चाहूंगी कि ये हमसे रابطے में रहे। मैं अपने हर जब भी हमारा ग्रुप जाएगा उमरे के लिए लोग जाएंगे उसमें से मैं दो लोगों को उमरे पे भेजूंगी अपनी कंपनी के बिहाफ। सुभान अल्लाह क्या बात है, फुल पैकेज होगा, कोई टेंशन नहीं। उनका उनका उमरे का जितना भी एक्सपेंस होगा वीजे से रिलेटेड एयर टिकट और उनकी वहाँ पे जो भी रिहाइश है दो लोगों की अगर ज्यादा अल्लाह ने मुझे दिया तो वो हम इंशाल्लाह ज्यादा लोग भी करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी करंटली हम दो लोगों को उम्रे पे अपनी कंपनी के। मैं तो अभी आठ लोगों की बात कर रही थी, दस लोगों का तो अभी से हो गया है ना, और अभी तो बहुत सारी कॉल। अच्छा एक और कॉल अली फाउंडेशन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी भाई मैं क्या बात करना चाहेंगे? आप अभी टीवी पर मैं देख रहा था उम्रे के लिए जो ये दूर खवातीन है इनके लिए प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए अपना मैं कहना चाह रहा था कि इन दो खवातीन को जो हमारी कंपनी की तरफ से हम लोग उम्रे के लिए इनको भिजवाते हैं जितने दिन के लिए इन्होंने जाना चाहते हैं, इनका तो सारा खर्चा जो है ना हमारी तरफ से होगा। जबरदस्त शफकत साहब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने खुद हज उमरा किया हुआ है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उमरा भी किया है और मैंने अपनी वालदा के साथ किया हुआ है और हज भी किया है माशाल्लाह, वो भी अपनी वालदा के साथ किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हमारे अली ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जो है ये हम लोग ये दो खवातीन को जो है आप हमारा नंबर लिख लें और जिस दिन जब प्रोग्राम हो हमें बताएं। आप नंबर नोट करवा दें मेरी, ठीक है ना? आपका नंबर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और बेशक देगा, बेशक मिलेगा इसका अजर। अच्छा एक और बात जो मैं आपसे करना चाह रही थी वो ये कि अब मैं सोच रही थी कि चाहे वो मेरी फील्ड हो या किसी और फील्ड हो, हम बहुत सारे काम जो है ज़ाहिर इतनी सारी चीज़ें अब वो हो गई हैं एडवांस के हमें सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ठीक है? तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर की मिसाल लेती हूँ या किसी लॉयर की मिसाल लेती हूँ कि अगर वो पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए बाहर जा रहे हैं और उस बंदे के पास उस शख्स के पास उतना ही पैसा है कि या तो वो अफोर्ड कर सकता है या किसी को हज या उमरा अफोर्ड करवा सकता है। अब लॉयर भी है, उनके हाथ में भी लोगों की वसीला बनते ना कि किसी की ज़िंदगी बचानी है बेगुनाह की, और डॉक्टर भी उसको भी किसी की ज़िंदगी बचानी है इलाज करना है, तो उस पर ज़्यादा फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो अपने काम को बेहतर बनाए, अपने काम के साथ ज़्यादा सिंसियर हो, या वो किसी को हज या उमरा कराए तो उसको उसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि उसके लिए बेहतर क्या है? देखिए जहाँ तक इंसानी ज़िंदगी की बात है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तो ज़िंदगी बचाने की बात है फिर तो यकीनन पहले ज़िंदगी बचानी चाहिए, फिर इंसान को अपना कोई और काम करना चाहिए जो कि वो अपने आप को सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन है या उसका हुनर है, उसको हासिल करने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर बात ज़िंदगी की नहीं है और सिर्फ हज या उमरे से रिलेटेड बात है तो फिर पहला हक तो उसका अपना ही है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, अपनी इल्मी सलाहियत है या कोई और उसके पास फ़न है उसको इम्प्रूव करना चाहता है, बिल्कुल करे। लेकिन अगर वो अपनी खुशी से और ये दूसरे को हज करा देता है या उमरा करा देता है तो उसका उसको सवाब मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैं आज अभी आ रही थी तो ज़ाहिर ज़हन में 10,000 सवाल चल रहे थे, तो ये सवाल मेरे ही ज़हन में चल रहा था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि ज़्यादा फजीलत किस चीज़ की है, ज़्यादा बेहतर क्या है, क्योंकि मैंने सोचा हम लोग घूमना फिरना तो एक अलग ही बात है, बट अगर मैं कुछ सीखने जा रही हूँ या मैं कुछ ऐसी चीज़ करने जा रही हूँ या हमारे जानने वाले उनका, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पढ़ने के लिए मुझे सीखने के लिए जाना है बट मैं वही अफोर्ड कर सकता हूँ, फिर मैं किसी को हज या उमरा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मेरी तरफ से ये ज़रूर सवाल करना कि मेरे लिए ज़्यादा बेहतर क्या होगा, इन दोनों में से फिर मुझे चूज़ करना पड़े तो फिर मैं क्या चूज़ करूँ? देखिए बार दफ़ा ये भी होता है जब खुशी तो ज़ाहिर जब हम होगी, बिल्कुल इंसानियत के लिए जब हम काम करना शुरू करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारे हाथ बन जाता है, अल्लाह ताला हमारे कान बन जाता है, हमारी आंखें बन जाता है,
परवरदिगार का यही काम कहना है कि जब तुम इंसानों के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो फिर तुम्हारे काम मैं संभाल लेता हूँ। तो अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए ये काम करता है कि मैं अपनी इस चीज़ की कुर्बानी देकर और बंदों के लिए काम कर रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए, तो परवरदिगार फिर उस बंदे को दोबारा वो मौका ज़रूर अता करेगा। क्योंकि बड़े मशहूर मशहूर बातें ऐसी बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ एक शेयर करूँगी आपसे। हज़रत दाता गंजबख्श जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से ये पूछा कि मैं आपका कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मेरे बंदों के काम आओ, जो भी उनका काम है तुम उनके काम आओ, उनके काम करो। तो अगर कोई शख्स बंदों के काम करना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसके कामों को संभाल लेता है, वो आसान कर देता है। क्या बात, कितनी खूबसूरत बात। और इससे बड़ा मौजज़ा क्या होगा कि समा की कॉल आई कि इन माओं को हम भेजेंगे। नीयत तो अम्मी ने की और मैं आपको शायद उस वक्त टोक नहीं पाया, एक खातून है, नाम भी नहीं लूँगा, उनसे अम्मी ने कहा कि आप जाएंगी उमरे पर, पैसे नहीं है मेरे पास, अम्मी वाला पैसे नहीं चाहिए, बस मैंने पूछना आप जाएंगी, हाँ मैं जाऊंगी। और देखें हमने आपको अप्रोच नहीं किया, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, समा ने अल्लाह की तरफ से जैसे आपने कहा बिल्कुल सेम, और ये मौजज़ा इससे इसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ जो मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि समा की तरफ से कॉल आई कि इन इनकी जिम्मेदारी हम लेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, ये बात। और उस वक्त हम लोग कांप गए, लिटरली हम लोग कांप गए कि हमने सोचा, हमने सोचा और अल्लाह ने कर दिया, करने तो अल्लाह नहीं है ना, वसीला तो बस वही बात है ना। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में तो नहीं आया बल्कि अली अब्बास ने भी पूछा है कि अली आपने क्या सवाल पूछा कि जो पहला हज, हाँ ठीक है, तो मैं सवाल को दोबारा समझना चाहूँगी कि जो पहली दफ़ा हज करना जा रहा है वो किसी अपने मरहूमीन के लिए या क्या, अगर वो जाता उनके लिए तो सवाब के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं ना। देखिए जो पहला हज है ना वो कोई भी शख्स जो करेगा वो उसका अपना होगा, तो जो उनके वो उसका सवाब को बिल्कुल सवाब नहीं मिलेगा। देखिए सवाब इस तरह से मिलेगा, मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। एक शख्स था बहुत गुनहगार था, उसका इंतकाल हो गया, कुछ अर्से के बाद उसका बच्चा जब 4 साल 4 महीने की उम्र को पहुँचा और कुरान पाक उसने पढ़ना शुरू किया, तो जैसे ही उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो उसका जो अजाब था वो ख़त्म हो गया। तो उसने फरिश्तों से पूछा कि मैं तो बड़े सख्त अजियत में था तो ये अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई और मेरा अजाब हट गया कैसे, तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा हया वाला है, उसको बड़ी हया आती है कि तेरी औलाद तो कुरान पढ़े और तू अजाब में रहे। तो इसलिए अगर कोई शख्स हज करने जा रहा है या उम्रा के लिए जा रहा है, ये हो नहीं सकता कि उसका सवाब उसके वालदैन तक ना पहुँचे, वो खुद ब खुद पहुँचता है, ये अल्लाह की रहमत है, ये उसकी करीमी है। तो इसलिए पहला हज तो उसके नाम से ही होगा, ये अल्लाह ताला ने बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर वो कोई हज या उम्रा करता है और ये चाहता है कि मैं इस नीयत से कर रहा हूँ कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका सवाब अता करूँ या मैं अपने वालदैन को अता करूँ या किसी और मरहूमीन के लिए करूँ, तो फिर वो कर सकता है, फिर उसकी इजाज़त है, लेकिन सबसे पहले उसको उस प्रोसेस से खुद अपने लिए गुजरना होगा, गुजरना पड़ेगा। ठीक है ओके। और जिनके नाम का हम उम्रा करते हैं तो क्या उनकी रूहें वहाँ पर मौजूद होती हैं? रूहों के हवाले से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं, क्योंकि बेनतहा वहाँ पे ऐसी मखलूकात भी हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, और बहुत से ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि एक हमें नज़र आए जी, एक साहब वहाँ पे गए तो एक बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले वाली सफ़ में आके बैठ गया नमाज की अदायगी के लिए खाने काबा में, कि भाई इसका बड़ा सवाब है। तो अचानक एक बड़े बारिश से उनसे भी बड़े कोई बुज़ुर्ग आए और उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा देखिए आप यहाँ से उठ के पीछे आ जाइए, आपको नहीं पता कि यहाँ किन लोगों के लिए सफ़ बिछाई जाती है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि कौन थे वो, कह के मुझे गायब हो गए, तो मैं वहाँ से उठ के पीछे आ गया चुपचाप। अब क्या पता कि वहाँ फरिश्तों की सफ़े हैं या उन मरहूमीन की हैं जो अल्लाह के प्यारे हैं, अंबिया की हैं, वलियों की हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हर शख्स वहाँ पे जो जाता है वो ये सोच के कि मैं पहली सफ़ में आ जाऊँ तो मुझे ज़्यादा सवाब होगा, क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस घर में मौजूद होते हैं जहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर मिल रहा होता है। जब हम मस्जिद नबी में जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे, तो एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर मिल रहा होता है। तो हम लालच में आगे आगे बढ़ रहे होते हैं कि हम आगे बढ़ के जो है वो अदा कर लें नमाज, हम नेकी ज़्यादा कर लें। लेकिन एक चीज़ हमें बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वो जहन में ये रखनी है कि हमें बहुत सारी वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बाज़ दफ़ा धक्का पेल भी हो रही होती है, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी बात भी कर रहे होते हैं जिससे आपको तकलीफ होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इबादत ये है कि आपने किसी को जवाब नहीं देना, किसी को बुरा नहीं कहना, क्योंकि हदीस पाक यही है कि अगर कोई अल्लाह के घर में हाजिर हुआ उसने अपनी ज़ुबान और हाथ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया और अपनी इबादत करके वापस आ गया,
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसे पाक और साफ़ करते हैं जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जन्म दिया हो। क्या बात। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो हज और उम्रे के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा, मैं उम्रे के लिए गई, जब रोज़े रसूल पे हाजिरी होती है तो खवातीन चीख रही होती हैं, धक्के मार, और इस तरह से बेअदबी का मुजाहरा होता है कि बाज़ दफ़ा मुझे रोना आ जाता है कि मैं पीछे ही हट जाऊँ तो अच्छा है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश ना करो। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर तुम हजरे अस्वद तक नहीं जा सकते तो तुम दूर से सलाम कर लो, जरूरी नहीं है तुम हजरे अस्वद को हाथ लगाओ जैसे तो मैं भी नहीं जा सकी। तो बिल्कुल आप दूर से कर लो जो अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन आप मर्दों से भी टकरा रहे हो, खवातीन को भी धक्के दे रहे हो, एक दूसरे को चोट भी लग रही है, ऐसी इबादत का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक अदब नहीं होगा ना, वो जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो वो मोहब्बत जिसमें अदब शामिल ना हो बेकार है। तो इसलिए अदब का जो है वो पहला तकाजा है। आप अल्लाह के घर पे हैं या रसूल के रोज़े पे हैं, अदब का मुजाहरा करें, आहिस्ता आहिस्ता जाएं, नज़रों को नीचे रखें, आप ज़्यादा किसी से गुफ्तगू भी ना करें, अगर किसी की बात बुरी लगी है खामोशी अख्तियार करें। ये इबादत के दायरे में आती हैं तमाम चीज़ें। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमारी इबादत को और अपनी रहमत को शामिल हाल करता है। अच्छा, हमारे पास जो माएँ हैं तो उनके साथ कोई महरम नहीं है, तो फिर किस तरह उनका उम्रा या हज होगा? देखिए, अब चूंकि इनके साथ तो मजबूरी की बात है और जो महरम है वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी, तो ज़ाहिर है इस सूरत में तो बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, एक महरम तो जाएंगे इनके साथ। बिल्कुल इसमें, और अब तो गवर्नमेंट ने भी उन्हें सऊदी कह दिया कि 40 साल से उम्र के बाद की खवातीन जो हैं वो जा सकती हैं और वो ग्रुप की सूरत में जा सकती हैं। इस तरह से अब इसका है कि जैसे माशाल्लाह सात ये खवातीन हैं, इन सात खवातीन में से तीन ऐसी हैं जो 80 प्लस हैं, 81 है, जिनकी बायोमेट्रिक भी नहीं होगी, तो ग्रुप के साथ जा सकती है, अकेले भी जा सकती है? ग्रुप के साथ, ये लोग क्योंकि ज़ाहिर बात है इनकी इजाजत नहीं है, ग्रुप के साथ, ग्रुप के साथ। अब जैसे 40 साल से ऊपर, अगर 40 साल से कोई नीचे है और वो ग्रुप के साथ जाना चाहे, उसके भी हमारे पास ये तीन बच्चियाँ भी तो बहुत है ना, तो फिर क्या उनकी कोई गुंजाइश निकलती है? नहीं, उसमें भी यही है कि अगर मजबूरी है उस सूरत में, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जा रही हैं और उनके साथ महरम है, दूसरी खवातीन भी शामिल हैं, तो यकीनन फिर वो जा सकती है। क्या बात है, कितने खुश नसीब हैं आप। अरे अरे, आप सोच नहीं सकते कि मैं आपको, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। मैं आपको ये भी बताऊँ, अभी जैसे पूछा कि इनका कैसे सिलसिला होगा, हर किसी की नीयत होती है कि इंसाफ होना चाहिए। हम भी किसी जैसे होता है ग्रुप जाते हैं ट्रैवल एजेंट के जरिए, ऐसा कतई नहीं है। इन माओं का फंडिंग वो तो अल्लाह का मामला है। इन माओं का मक्के में 5-स्टार होटल में रहेंगे इंशाल्लाह, ये लोग इंशाल्लाह 4-स्टार में रहेंगे, जबकि आप लोगों की तो बाद में कॉल आई, लेकिन नीयत ये थी मेहमान नवाजी तो कहीं और से हुई है, वो तो हमारा और आपका क्या है, हम तो कुछ भी अहमियत नहीं रखते। प्लान बना रहे हैं इंशाल्लाह, 7 मार्च को था और गैप इसलिए दिया था, गैप इसलिए दिया था कि कुछ कुछ पासपोर्ट नहीं है, कुछ एक दो फैमिलीज ने आईडी कार्ड भी नहीं दिए। मैं अपना पासपोर्ट अभी दे देती हूँ आपको। मुसविर भाई पासपोर्ट जरा देना। सनम आप चलो, देखो मैं भी चलती हूं। ऐसी है, मेरा भी दिल चाह रहा है। ऐसा मजा आएगा ना कि सारी जिंदगी याद करोगी। बिल्कुल वीआईपी उमरा होगा। कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग? इंशाल्लाह जा रहे हैं 14 दिन के लिए, तो 15 दिन ही होगा। तो मैं जमीनी के 14 डेज वहाँ पे रहूँ, 7 दिन में भी वहाँ पर आ सकती हूँ। आप चल के देखो जरा, और हम लोग मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। रोशन का मैं बात करवाना चाह रही हूँ, जाएगा ना बेटा, जाएगा आज, बहन की भी मदद करेगा। आप बताओ, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। आप बताइए कैसा लगेगा आपको और आपकी क्या ख्वाहिश थी बताइए। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और मेरी एक ख्वाहिश हमेशा से थी कि अल्लाह ये ज़मीन सबको दिखाए, अल्लाह का दर और हुजूर का रोज़ा नहीं है, देखने की किसको ख्वाहिश ना हो, अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। एडमिशन अभी एक महीना हुआ है। अच्छा, आपके पास एडमिशन का एक महीना हुआ है, और साथी भी मिल गए, अच्छे साथी भी मिल गए। अच्छा, तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? माशाल्लाह बित्ते फातिमा ट्रस्ट में इतनी सारी माएँ हैं, तो लड़ी नहीं कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये नहीं, औरतें ख्वाहिश करती हैं मेरे पास बारी बारी सब, कि मैं ना उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आती है उनको देखते हुए कि मैं किस तरह, और कह भी रही है ना कि फरजाना मुझे ले जाओ, फरजाना मुझे ले जाओ, लेकिन मैं ना माशाल्लाह लेके जा सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इनका सिलसिला, इनकी नेकियां हैं जो अल्लाह ताला ने सूरत में जो है बिल्कुल। और हमारे पास एक हमारे अंकल भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी
इतनी सारी खवातीन में एक अंकल हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है, यकीनन यही ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? प्लीज आप बैठें और बस एक छोटा सा ब्रेक में लूंगी और ब्रेक के बाद मैं आपसे बात करूंगी कि आप पहले कभी जा चुके हैं या नहीं जा चुके, जाने की ख्वाहिश है और वहाँ पे जाके क्या दुआ मांगेंगे और क्या सोच के जा रहे हैं, ये सब पूछूंगी लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद। तमाम होगा ना चैन होगा बरंगे बेसमिल तड़प तड़प कर तमाम होगा। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपकी मोहब्बत है जो हमने नाथ को तिलावत कर दिया, मैं तो ये कि नाथ को तिलावत कर दिया, अदरवाइज इसके वर्ड भी शायद मेरी फरमाइश पे और मेरे कहने पे बहुत शुक्रिया, जबकि आपको था कि मुझे याद नहीं है और तो मैंने कहा अच्छा मैंने कहा। और असल में मेरी ये तजुर्बा है और मेरी मैं इसको इबादत की तरह काउंट करती हूँ, अपना जो भी जिक्र करती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ, जो भी तस्करा करती हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले से, जब हम सोच भी नहीं सकते कि हमने यहाँ क्या पढ़ना है, फिलबदी हम वो पढ़ देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो परवरदिगार की रजा होती है, वो मौला की अता होती है, वो चाहते हैं कि हम वो जिक्र करें, तो बस पढ़ दिया करती हूँ इसी तरह। बहुत खूबसूरत आपने भी साथ दिया, बहुत खूबसूरत हमारे साथ है ना, तो अयाज साहब रियाज अहमद साहब, तो रियाज अहमद साहब बताइए कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। रियाज साहब मुझे बताइए कि आप पहले कभी गए हैं उमरा या हज करने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं पहले नहीं गया मैं, पहले कभी नहीं गए जी। और क्यों नहीं गए आप? जी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप क्या करते हैं? जी मैं एयरफोर्स में था, रिटायर्ड एयरफोर्स में जी, उसके बाद में हाँ जॉब मेरी लग गई यहाँ पर। तो ये लोग नहीं भेजते अगर किसी की ख्वाहिश हो, या इनका कोई इस तरह नहीं होता कि नहीं नहीं टीम को या अपने कुछ लोगों को भेजा जाए? नहीं ऐसा नहीं था जी। आपकी क्यों ख्वाहिश है? इसलिए ख्वाहिश है कि फ़र्ज़ है या बस दिल कहता है? दिल कहता है, मतलब मैं 2 साल से अल्लाह से दुआ कर रहा था तो अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी कबूल करी मेरी दुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है उस। आपको लग रहा है कि 2 साल से दुआ कर रहे थे और आपकी दुआ जल्दी पूरी हो गई? देर आए दुरुस्त आए जी, बिल्कुल देर आए दुरुस्त है। अच्छा और आपके घर में फैमिली में कौन कौन है? जी मेरी वालदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत करता हूँ जितनी भी हो सकती है ना मुझसे, मैं खिदमत करता हूँ उसकी, अल्लाह अल्लाह उसी के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे सुन लियो मेरी बस दुआ। आपकी वालदा की उम्र क्या है? 80। उन्होंने हज या उमरा किया है? जी नहीं, नहीं किया बिल्कुल। अगर वो भी आपके साथ जाए? नहीं तो वो असल में इनको आपका पेंशन मिलती है? नहीं पेंशन बिल्कुल मिल रही है मुझे। तो आप अपनी वालदा को, आपको आपको अगर पेंशन मिलती है जी जी, तो आप अपनी वालदा को साथ लेके जाए, पहला काम तो आपकी वालदा का। मसाइल ऐसे होते हैं कि आदमी जो है ना वो नहीं करवा सकता, वो अंदरूनी मतलब हमारा है ना मसला बिल्कुल। तो अगर आपकी वालदा को कोई उमरा करवाना चाहे आपके साथ जी, तो क्या फिर आप लेकर जाना चाहेंगे या उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं जा सके? उनकी तबीयत की वो पैरालाइज हैं मतलब वो, हाँ जी बिल्कुल सांस का, तो उन्हीं के लिए दुआ करने जाएंगे? हाँ वो नहीं सांस उनको वो है नहीं, वालदा को मेरी सास। अच्छा। तो मेरी डेथ हो गई उनकी। अच्छा सास नहीं, मैं समझी कि आप कह रहे हैं कि मेरी वालदा को सांस की तकलीफ है। सांस की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर और टांगों से भी मसला है, वो चल नहीं सकती है मतलब ये। ठीक है जी। और आपकी फैमिली में मतलब? फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं, उसके 5 बच्चे हैं, उनके साथ ही मैं रहता हूँ जी। और आपकी फैमिली है या? मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया, बच्चे नहीं है मेरे। आपके बच्चे नहीं है जी? बिल्कुल। अच्छा जी, तो बस आज इंशाल्लाह ताला ये आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और मेरी दुआ है कि आज जो हम शो कर रहे हैं और जिस दिल से जिस नियत से कर रहे हैं बेशक खुदा की ज़ात देखने वाली और अल्लाह ताला हमारी नियतों को देख सकता है, समझ सकता है और यकीनन वो पूरा करेगा। और आप सारे लोग मेरे ख्याल से 10-12 लोग तो पक्के हैं जो हम लोग भेज रहे हैं, 7 लोगों में से 8 लोगों में से 12 लोग तो कन्फर्म जा रहे हैं। अली मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल अब ठीक कह रही है ना, इतने लोग तो अब हो गए, तो 12 लोग इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं और उम्रे के लिए। और हमारी कौन सीमा है? और सेफ साइड में भी
मेरी आवाज़ मेरे कान में आ रही है। और सेफ साइड मैं आपको बता दूं कि 9 से 10 और लोग जो मैं अभी नहीं यकीन से कह सकती, लेकिन उनको भी भेजेंगे, तो तकरीबन मिला के 7-8 लोगों में से अब वो 20 लोग हो गए कि 20 लोग उम्रे पे जाएंगे, है ना, माशाल्लाह। तो और मुझे बताएं कि ऐसा क्या दुआ मांगेंगे वहाँ पे? बस दुआ ये मांगूंगा, अल्लाह ताला मेरा खात्मे ईमान पे करे। आमीन। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह से ये मेरी दुआ होगी, अल्लाह ताला मेरा खात्मे ईमान पे करे और मरते वक्त मुझे कलमा नसीब होगा। बस आप अपनी वालदा के लिए जरूर दुआ करिएगा जी, इंशाल्लाह। अपने लिए तो आप कर रहे हैं, क्योंकि अपना तो हर किसी को, मुझे भी। जी जी बिल्कुल। आप सब लोग दुआ करो, मुझे अल्लाह इतनी तौफीक दे कि मेरे माँ बाप हयात है, मैं अपनी माँ और बाप को ना मैं उमरा पे लेके जाऊँ। मेरा बहुत दिल दुखता है क्योंकि मेरे माँ बाप हैं और मेरी माँ या मेरे बाप को ये सुन के भी दिल में कुछ होगा कि देखो फरजाना ने इनको लेके जा रही है तो हम दोनों को नहीं लेके जा रही। लेकिन मैं अपनी माँ बाप के लिए मांग नहीं सकती कि मैं किसी से मांगूँ, क्योंकि वो लावारस नहीं है, उनके हम लोग वारस हैं। अब सब लोग आमीन कहो मेरे बाप कि अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी माँ और आपको ना अपनी ज़िंदगी में, और अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे कि मैं उनको खुश करके दुनिया से भेजूँ। आमीन आमीन। वो जो एक हदीस है ना कि अगर कोई अपनी उम्र में इजाफा करना चाहता है ना या रिस्क में, तो वो माँ बाप की खिदमत करे। तो लोग भी खिदमत करते हैं ना माँ बाप की, तो उनके रिस्क में भी इजाफा होता है, उनकी उम्र में भी इजाफा होता है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो लोग भी हज और उम्रे के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला उनको फराखी अता फरमा देते हैं हर दफा। आप भी ना अपनी माँ के लिए दुआ करिएगा, आपको दुआएं मिल जाएंगी जब आप अपनी माँ के लिए करेंगे ना, सारी आपको मिलेंगी। मेरा ईमान है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ उनके लिए, ऐसी थोड़ी हो। अब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी छोटी बहन के लिए भी, ठीक है ना? इंशाल्लाह सही है। अल्लाह आपका भी खात्मा ईमान पर। आमीन। और सनम, ये माँ बाप के लिए जो दुआएं करते हैं, ये वही तो उसका सिला है कि वो अब इस परवरदिगार को याद कर रहा है कि वो इतने दो साल से दुआ मांगी और माशाल्लाह आज वो। और अल्लाह को वो नमाज पसंद नहीं है जिसमें आप वालदैन के लिए दुआ ना करें, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो गुजर चुके हों। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके लिए दुआ करो, और वो लोग जो उनके लिए नफल अदा करना उसका कितना सवाब है, बेइंतहा सवाब है। और जो लोग वहाँ जाते हैं जब अल्लाह के घर और रसूल पाक के रोजे पे, उनको चाहिए उन मकामात पे अपने वालदैन के लिए नवाफिल पढ़े, चाहे वो जिंदा है चाहे वो गुजर चुके हैं, उसका बेइंतहा सवाब है। फिर वहाँ पे उमरा अदा करें। मैं असद आपकी तरफ आती हूँ, कुछ और माओं से भी बात करूँगी। मुझे एक बात बताएं, जैसे मुझे आजकल मतलब मैं ये बात सुन रही थी कि जब आप अपने वालदैन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप अगर उनके लिए नवाफिल अदा करते हैं या दुआ पढ़ते हैं या दुरूद पाक पढ़ते कुछ भी, तो फरिश्ते उन तक लेके जाते हैं और आपका नाम लेके और उनका नाम लेके बुलाते हैं कि आपके लिए इसने ये चीज भेजी है, आपके लिए पढ़ा है। तो सही है, देखिए इस हवाले से हदीस पाक ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वो दुरूद पाक जो है उस शख्स का उसके माँ या बाप के नाम के साथ मुश्तक पेश किया जाता है। लेकिन जो हम रोज़ाना वैसे पढ़ रहे होते हैं, वो हर रोज़ उस तरह से नाम के साथ पेश करने की कोई हदीस मौजूद नहीं है, जुम्मे के बारे में ज़्यादा है। लेकिन अगर आप किसी भी वक्त कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद ये दुआ करते हैं कि जो मैंने ये पढ़ा है ये हदिया मैं अपने वालदैन को करता हूँ, तो वो उन तक पहुँच जाता है। क्योंकि औलाद अगर ना भी कहे, लेकिन जो नेक काम भी औलाद करती है उसका सवाब उसके वालदैन तक जाता है। मैंने सुना और मुझे भी रिसेंटली किसी ने कहा कि अच्छी औलाद होना भी ना एक सदका है। औलाद सदका ही जारी है, जो इंसान के तीन काम जो सदका जारी होते हैं, औलाद उसमें से एक है। कोई भी आप इल्म का काम छोड़ जाते हैं तो वो पीछे चलता रहता है, आपके लिए सदका जारी है। और नेक काम कर जाते हैं, नेक औलाद छोड़ जाते हैं, ये सब चीजें सदका जारी हैं। जो जब तक औलाद करती रहती है तो वो सवाब आपको पहुंचता है। और अभी अब्बास भाई का एक और सवाल आया है, तो वो मेरे कान में बोल रहे हैं कि जुम्मे के दिन जो है वो मुझे पता है कि फराना जी का जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि शबे जुम्मा रूहें जो हैं वो आपके घरों पे आती हैं और वो कहती हैं कि हमारे लिए कुछ दुआ करो या सदका दो या हमारे लिए हमारे इसाले सवाब के लिए, तो इसमें कितनी सदाकत? हाँ, ये ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जुमेरात को ऐसा होता है, यानी शबे जुम्मा, और वो चाहती हैं रूहें कि उनको वो कुछ भेजा जाए। तो अगर वो बच्चे जो जुमेरात की शब को जाते हैं कब्रिस्तान, देखिए घरों पर आती है, इसकी हदीस मैंने खुद से नहीं पढ़ी, घर पे आने की हदीस मैंने नहीं पढ़ी। जुमेरात और ये जुमेरात है और शबे जुम्मा हो जाती है, लेकिन इसकी मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि घर पे आती हैं। लेकिन ये ज़रूर पढ़ा है कि वो चाहती हैं कि उन्हें कुछ हदिया किया जाए ताकि वो खाली हाथ ना जाएँ। तो वो बच्चे जो बहुत रेगुलर जुमेरात को अपने वालदैन की कब्रों पर जाते हैं,
वालदेन की बख्शिश तो होती है, उनके दर्जात बुलंद होते हैं, लेकिन उन बच्चों की भी बख्शिश हो जाती है जो रेगुलर अपने वालदेन की कब्रों पे जा रहे होते हैं। जो लोग अब इस दुनिया में, एक चीज़ और इसमें ऐड करती हूँ सनम, कि आपा का माशाल्लाह नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मैं तो बिल्कुल भी, लेकिन इसमें यह है कि जो जैसे हम इंसान हयात हैं, अभी हम जिंदा हैं, तो हमारी ग़िज़ा क्या है, खुराक जो हम खाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद जो हम तक चीज़ें जाती हैं वो खुराक और वो ग़िज़ा जो है वो यही कलाम पाक है, यही नेक काम है, यही सदका जारिया है। जितना हम पढ़ सकते हैं, जितने हम अच्छे अमाल कर सकते हैं, वो हम उसको सदका देते जाते हैं, क्योंकि खुराक होती है हमारे मरहूमिन की खुराक है। और जब हम दुआ करते हैं ना तो उनके दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं, और वो पूछते हैं बल्कि फरिश्तों से कि हमारा दर्जा कैसे बुलंद हो गया, तो उन फरिश्ते उनको बताते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए दुआ कर रहे थे कि उनको उनके दर्जात बुलंद फरमा, तो इस तरह अल्लाह ताला ने आपके दर्जात बुलंद कर दिए। ठीक है, अच्छा आज के शो की मैं आखिरी कॉल लेती हूँ, और बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आई हैं और अकाउंट नंबर्स हम चला रहे हैं। अकाउंट नंबर्स किसके हैं? ये सारे बिनते फातिमा ट्रस्ट के अकाउंट नंबर्स हैं। अच्छा, नंबर्स जो हैं वो हमारे हैं, और अकाउंट नंबर जो है वो बिनते फातिमा ट्रस्ट के अकाउंट नंबर्स चले हैं। तो जो आप लोग हमें कॉल्स करेंगे वो हम कॉल्स बिनते फातिमा ट्रस्ट को फॉरवर्ड करेंगे, वो हम आपको देंगे इनके नंबर्स, जिसमें असद आपसे कांटेक्ट करेंगे, और फिर आप असद से बात करके और इस अकाउंट में जितना आप पैसे जमा करवा सकते हैं करें। तो सिर्फ हज और उम्रे के लिए काम नहीं, इनके लिए बाकी माओं के लिए भी काम आता है। लास्ट कॉल आज के शो की, मुस्लिम हमारे साथ हैं फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या बात? मेरा नाम मुस्लिम नहीं है, मेरा नाम, मैंने अपना नाम बताया, वन मुस्लिम, एक मुसलमान। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक मुसलमान, एक मुसलमान। ठीक है जी, जी जी बताइए। मुस्लिम नहीं, ओके जी, आई एम सॉरी। हाँ, ये जो आप लोग कर रहे हैं इनसे कहें कि जितना इन्होंने मुझे, कितना बजट है? बजट कितना है? कम से कम ये मेरा हाल 12 से 13 तक कितना होगा? 10 से 12 लाख, 12 से 13 मैक्स। अपना, आप मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन है, मैं आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ, आपने सड़कों पे जितनी लोगों के लिए किए है, मैंने हर उसमें आपके साथ शेयर किया है, आज आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ। तो गुड़िया जैसी खूबसूरत मेरी अच्छी सी बहन, आप इनसे ये बोले कि जितना अरेंजमेंट आपसे यहाँ हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे 3 लाख हो, तो वो हम आपसे बात करेंगे। और जो मुझे बताया गया है कि माशाल्लाह आप एक अपना खुद एक बड़ा नाम रखते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, और मेरी दुआ है कि मेरे भाई को अल्लाह ताला और नवाजे और बहुत सारी खुशियाँ दे, आपको सेहत, आपको बिल्कुल, आपको अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सुकून दे, और आप हमेशा खुश रहें, कभी आप पे बुरा वक्त ना आए। बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने हमें कॉल्स की, उन सबका बहुत शुक्रिया। और आज यहाँ से 8 लोग नहीं, इंशाल्लाह ताला 20-25 लोग जो हैं वो उम्रा करने जाएंगे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, और इंशाल्लाह ताला अगर कुछ और लोग ख्वाहिशमंद हैं तो हम अपने भाइयों को भी उनके साथ भेजेंगे, है ना, सिर्फ हमारी। और जो अब आप बिनते फातिमा ट्रस्ट में जाके ये खुशखबरी सुना सकती हैं कि अब सिर्फ 7 माएँ नहीं, और भी माएँ जा सकती हैं। ठीक है, जो बाकी लास्ट से हम बात कर रहे हैं, जल्दी से असद मुझे बता दो, सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। मुनव्वर आपा से बात करें जी, वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रही हैं जी, कहाँ जा रही हैं? ये ऐसी फोन लेके जा रहे हैं, इतनी नमाजें, इतनी नमाजें, सिवाय नमाज के अलावा कुछ नहीं है। मेरा अल्लाह, ये यहाँ खड़ी होके ना तो क्या दुआ मांगेंगी वहाँ पर? अल्लाह का घर वो, यहाँ तो हम आरजी आए में, यहाँ तो हम आरजी आए में, आरजी आए में यहाँ पर। तो कितनी खुशी है इनको वहाँ पर, अल्लाह के घर। कितने खुश हैं आप, कितनी खुशी है आपको? वहाँ जाके क्या दुआ करेंगी जी? वहाँ जाकर क्या दुआ करेंगी अल्लाह से? अल्लाह के घर जाके क्या दुआ करेंगी? ये जो है सब मैं अपने लिए दुआएं करती हूँ, पहले हम अपने
हया वाली खातून है, बहुत पर्दा कर रही है, तो इसलिए वो पूरी बात हमारे हमारे दिमाग वही बरकत है। अल्लाह पाक इन सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि ये खैर से अपनी इबादत मुकम्मल। और टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पर आती हूँ, असल ये मौका मैं तुमसे छीन रही हूँ। आप मेरे लिए दुआ करेंगी वहाँ पे? अल्लाह ताला के घर जाकर, मक्का जाकर, वहाँ पर मदीना जाकर मेरे लिए दुआ करेंगी? सबसे पहले बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला का फरमा नबी का इरशाद है। तो अभी भी मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करें, दुआ करते हैं, मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करें। पहले हमारे बच्चों को दुआ करते हैं, फिर कितनी बड़ी नेमत है बुजुर्ग है, उनके मुंह से निकली हुई दुआओं की कितनी अहमियत है। ये बिल्कुल लवारिस है, इनकी औलाद हुई नहीं। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, आप सबका बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कम है और इन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है पूरी अवाम, पूरी कौम, पूरी दुनिया, पूरी हर इंसान ज़ात के लिए इन्होंने दुआ की है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए या हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।